गन्ना के वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने, धान खरीद क्रय केंद्रों को सक्रिय किए जाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता व प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर मंडलायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन सौंपा, लेकिन पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने मंडलायुक्त पर ज्ञापन लेकर उसे उस पर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए वही धरने पर बैठ गए। लेकिन अगर तस्वीर में देखा जाए तो मंडलायुक्त ने खड़े होकर पूरे सम्मान के साथ मंत्री राधेश्याम सिंह से ज्ञापन लिया है। इस संबंध में सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में किसानों का हाल त्रस्त है, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जब मंडलायुक्त को ज्ञापन देने का प्रयास किया तो पहले तो उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ज्ञापन लिए लेकिन उसे पढ़े नहीं, जो एक जनप्रतिनिधि का अपमान है। इस मौके पर पहुंचे अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी ने सपा के पूर्व राज्य मंत्री का ज्ञापन लेते हुए उन्हें अवगत कराया कि इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी के पास प्रेषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता व प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा, किसानों के समक्ष गन्ना धान की समस्या के संबंध में 2016-17 में समाजवादी सरकार ने 325 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम तय किया। उस समय समर्थन मूल्य था 280 रुपये। इस समय केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य कर दिया 250 रुपये। 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 का सीजन चलने जा रहा है। 1 रुपया भी गन्ने का दाम 4 साल में नहीं आया। 1 रुपया गोरखपुर मंडल में कप्तानगंज चीनी मिल पर आज भी 60 करोड़ बकाया है, चीनी मिल चलने जा रही है। कुशीनगर जनपद में लगभग 60 करोड़ से ऊपर गन्ना मूल्य बकाया। इन समस्याओं को लेकर हम आए थे इधर और उसको हम बोते हैं तो उसका दाम भेज रहे हैं। और कि प्रदेश सरकार का मामला है मान लो। अच्छा, हाँ चलिए, जो भी अगर इसमें जो डिफरेंस होगा तो वो जो है माननीय जो है महामहिम सीधे एक लाइन में बोलिए कि ये मांग पत्र मुख्यमंत्री तक आपका पहुंच जाएगा, बस दुनिया भर का बात है। चलिए ठीक है, तो मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन जो है अभी विधिवत तरीके से वहाँ पहुंचा दिया जाएगा। कल टेलीफोन से कमिश्नर महोदय के वहाँ मैंने समय नोट करवाया था मिलने के लिए। पूर्वांचल के गन्ना किसान बहुत दुखी हैं और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 17 से 2020 तक लगभग 4 वर्ष होने जा रहा है, 1 रुपया भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, किसानों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। 2016-17 में भारत सरकार ने समर्थन मूल्य 220 रुपये किया था। इस समय केंद्र सरकार मोदी जी ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा करके 285 रुपये कर दिया। ऐसे स्थिति में 400 रुपया कुंटल उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ने का दाम देना चाहिए। ये गन्ना किसान और धान बोने वाले किसान दोनों दुखी हैं। किसानों का धान सूख गया है 40%, गन्ना भी सूख गया है 40%। उसका सर्वे करवाया जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए। पराली जलाने के नाम पर 2500 रुपया से 15000 रुपया तक जुर्माना लिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो ये किसान अपमान निधि के बदले में 2500 रुपया से लेकर 15000 क्यों ले रहे हैं? मुकदमा दर्ज क्यों करवा रहे हैं? किसानों को जेल क्यों भेजा जा रहा है? कई मुद्दों को लेकर जब मैं कमिश्नर महोदय से मिलने आया हूँ तो पहले इन्होंने कहा कि बहुत दूर बैठ के बात करिए, मैं बैठ गया हूँ। फिर मैंने कहा कि एक
गन्ना किसानों की समस्या है, इस बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूँ। कहने बात नहीं करूँगा, मेरे पीए को आप अपना ज्ञापन दे दीजिए। 100 किलोमीटर दूर से हम आए हैं पीए को ज्ञापन देने के लिए, डीजल खर्च करके। हमने कमिश्नर महोदय से कहा नहीं, ज्ञापन आपको देंगे। फिर मैं ज्ञापन लेके आगे बढ़ा हूँ तो उन्होंने कहा मेज पर रख दीजिए। हमने कहा नहीं, तो वो हाथ बढ़ाए हैं। मैंने कहा कि मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ और 3 बार का एम एल ए रहा हूँ, मैं बैठ करके ज्ञापन नहीं देता हूँ। तो थोड़ा सा खड़े हुए, लेकिन ज्ञापन मेरा पढ़े नहीं। मैंने ज्ञापन उनके हाथ में दिया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहे। क्या कि हम सुनेंगे नहीं, हमको जो मन करेगा वो करेंगे। तो ये मनमानी, जब सरकार तानाशाह हो जाए और नौकर साहब बेलगाम हो जाए, तो गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो गांधी जी को याद करके, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करके, स्वर्गीय राज नारायण जी को याद करके, जयप्रकाश जी को याद करके, आज मैं उनके वहाँ धरने पर बैठा हूँ। और धरने पर बैठने के बाद अपर आयुक्त महोदय आए हैं, उन्होंने बिंदुवार मेरी समस्या को सुना है, इसे मैंने धरना ख़त्म किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि गन्ना किसानों के समस्याओं का समाधान हो, धान की खरीदारी हो। 1880 रुपया सरकारी रेट है और 901,000 रुपया प्रति क्विंटल विवश है किसान बिचौलियों के हाथ में बेचने के लिए। अभी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया के लिए घोषित किया था। अभी तो 1,000 करोड़ गन्ना मूल्य बाकी है, तो 10,000 कहाँ से वो दे दिए? यही तो झूठ बोलने वाली सरकार है। मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता देश नहीं है।